अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं इजी रेसिपी विद नीलम। कैसे हैं आप सब? खुश रहा करें, दूसरों को लाजमी खुश रखा करें। आज आपके साथ हमेशा की तरह कमाल का नाश्ता शेयर करने जा रही हूं, जो कि बहुत आसानी से बन जाता है, बहुत मजेदार है। लाजमी आपने ट्राई करना है, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। तो कमाल का नाश्ता है, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 अंडे, किसी भी बाउल में डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच ऑयल और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। किचन में मौजूद चंद चीजों से ये नाश्ता तैयार हो जाता है, लास्ट में आपने इसको बनाना है। इसके बाद हम इसमें 1/2 कप दूध डाल देंगे, फ्रेश या डिब्बे वाला जो मर्जी ले लें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1/2 चाय का चम्मच और काली मिर्चों का पाउडर डाल देंगे 1/4 चाय का चम्मच। और अब हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्ची पिसी हुई 1/2 चाय का चम्मच और नमक हम इसमें हसबे जरूरत डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, मसाले जो है ना, आप अपने हिसाब के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हो। जितना नाश्ता आप तैयार कर रहे हो ना, उसी के मुताबिक आप इसमें मसाले डाल सकते हो। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे, कटा हुआ और वॉश किया हुआ। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे चेडर चीज, अपने हिसाब के मुताबिक कम ज्यादा आप कर सकते हो। मैं तकरीबन 3-4 खाने का चम्मच इसमें डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमें चाहिए 3 अदद ब्रेड के स्लाइसेस और इसको इस तरह से पीसेस करके किसी भी बाउल में डाल देंगे। छोटे छोटे पीसेस करने हैं, ना ज्यादा बड़े हों और ना ज्यादा छोटे हों। इसके बाद हम इसमें अपना सारा लिक्विड जो है ना, इसमें डाल देंगे ब्रेड में और इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही कमाल का नाश्ता है, लाजमी आपने इसको तैयार करना है। अगर आपके मेहमान आ गए हैं तो आपने इसमें ये लाजमी उनको ट्राई करके खिलाना है। इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। ये देखिए मिक्स हो चुका। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें 2 से 3 खाने का चम्मच ऑयल डाल के इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब हम इसमें सारा बैटर डाल देंगे और बैटर जो है ना, आप अपने हिसाब के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हो। मतलब कि आपका पैन ज्यादा छोटा है तो आप इसको 2 दफा बना सकते हो। इसको अच्छी तरह से सेट करेंगे, चूल्हा जला देंगे, इसको कवर करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे रख के पका लेना है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने इसको कवर करके दोबारा से इसको टर्न कर लेना है। इसके साइड चेंज कर लेंगे, दोबारा से हम इसको पकाएंगे। लेकिन इससे पहले हम इसके ऊपर चेडर चीज डाल देंगे या मोज़रेला, आपकी अपनी चॉइस है। इसको कवर करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो ये देखें जी, 3 मिनट के बाद हमारा नाश्ता जो है ना, वो हो चुका है तैयार। लाजमी आप इसको बनाइएगा और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। बहुत ही जबरदस्त है और ये खाने के बाद ना आप इस मेरी तारीफ भी करेंगे और जो आपका बनाया हुआ ये नाश्ता करेगा ना, वो भी आपकी तारीफ लाजमी करेगा। तो पिज्जा आप भूल जाएंगे, इसको आपने बनाना है। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।